नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज़ टेक न्यूज़ पे। मेरा नाम निशांत और आज हम बात करने वाले थे 450X के बारे में। जानते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या है इसमें खास जो इसको औरों से अलग बना देता है और इसमें क्या क्या नुकसान है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो मोटर लगी हुई है वो PMSA मोटर लगी है जो बेल ड्राइव के साथ में चलती है, जो आपको 6 किलोवाट का जो है पीक पावर दे पाती है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं इंडिया की और बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ में, तो ये जो पावर भी उनसे ज्यादा देती है और वही जो मोटर है PMSA मोटर है तो ये कहीं 15% जो है ज्यादा एफिशियंट होती है आपकी BLDC मोटर्स से। और भी इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और इसमें बेल्ट ड्राइव होने की वजह से जो है आप ज्यादा लोड कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे और ये आपको ज्यादा किलोमीटर्स की रेंज देगी और ये आपको पावर परफॉर्मेंस जो है ज्यादा अच्छी दे पाती है बेल्ट ड्राइव की वजह से। और इंडिया में मिलने वाली ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको बेल्ट ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है आपको बेल्ट ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। और वही दूसरा बात करें स्कूटर के एक्सेलरेशन के बारे में, जिसके एक्सेलरेशन वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको ये 0 से 40 की स्पीड पकड़ लेगा कुल 3.3 सेकंड में। और वही जब मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर ये जो है अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है 80 किलोमीटर पर घंटे की, और वही है जो रियल लाइफ में देता है 90 किलोमीटर पर घंटे की। मतलब यहाँ पे जो है मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है एथर कंपनी की, जो इन्होंने जो टेस्टेड किया है अपनी मैक्सिमम स्पीड को या रेंज को, मैं जहां पर बात करूं तो इन्होंने जो है मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पे जो है उसको चेक किया हुआ है, जो मैक्सिमम स्पीड भी अपनी जो दिखाई हुई है टॉप स्पीड वेबसाइट पे, तो इन्होंने तो दिखाई है जब आप दो लोग बैठते हैं तो उसके बाद ये जो मैक्स स्पीड दिखाई है 80, जब आप सिंगल आदमी इसको चलाता है तो ये स्कूटी जो है 90 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंच जाती है। और स्कूटर की मोटर जो है वो और ज्यादा स्पीड पकड़ने का जो है सामर्थ्य रखती है, बट उसको जो है इलेक्ट्रिक को नहीं लिमिट कर दिया गया है और काफी आपको जो फिलहाल 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड दे पाती है। और वही बात करूं दोस्तों इसके लुक्स के बारे में, तो इसके लुक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये हर टाइप के राइडर के लिए बनी है, चाहे उसकी हाइट लंबी हो या उसकी हाइट छोटी हो। और भी बात करें इसके एरोडायनेमिक डिजाइन के बारे में तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। आपको ज्यादा स्पीड पे मतलब कोई भी जो है झोल नहीं महसूस होगा और आपको जो है राइड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको इस स्कूटर में जो है मिलने वाली है। और वही जब बात करें इसकी रेंज के बारे में, तो दोस्तों ये अपनी वेबसाइट पर क्लेम करता है अपनी 85 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे। और वही इसकी ARAI अप्रूव्ड रेंज है 116 किलोमीटर की। और वही एक यूजर ने अभी इसकी रिसेंटली जो रेंज निकाली थी वो नियर अबाउट कुछ 135 टू 140 किलोमीटर की निकाली थी। मतलब यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि ये जो है मैक्सिमम लोड पे जो है चेक करके आपको बैटरी क्वालिटी देते हैं और वही आपको जो एक्सीड कर जाती है उससे कम आपको नहीं मिलती। और वही बात करूं मैं इसकी वारंटी के बारे में, तो आपको जो है 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, जो आपको अदर व्हीकल्स में कुछ 40,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर मिल रही होती है, यहाँ पे अनकंडीशनल आपको अनलिमिटेड वारंटी मिलती है। और वही यहाँ पर जो इसकी मेरे को और भी एक ज्यादा खास बात लगती है वो लगता है मुझे इसका बायबैक प्लान। मतलब आप इस स्कूटर को जो है 3 साल के लिए चलाए और उसके बाद इसका जो बायबैक प्लान हो 85,000 रुपए तक का है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 साल के बाद 85,000 का जो है बायबैक प्लान ऑफर कर रहा होगा। ये एथर 450X जो है आपको दे रहा है ये ऑफर। और वही आपको इसके साथ में बेहतरीन जो सर्विसेज मिलती है, आपको ऑन रोड सर्विसेज मिल जाती है, कहीं भी खराब हो जाती है तो ये वहां पर आ जाते हैं। और वही ये जिस जिस स्टेट में एथर जाती है वहां पर पहले से ही अपनी प्री प्लान जो है एथर की डाल देती है, जिसकी वजह से लोगों को जो है चार्जिंग करने में आसानी होती है और उनकी कन्वीनियंस जो है बढ़ जाती है। और वही मैं बात करूं इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो इसके स्मार्ट फीचर्स भी जो है सबसे ज्यादा अच्छे हैं इसमें। जो देखो आपको GPS मैप नेविगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, आपको व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में मिल जाता है, आपको इसमें तरह तरह के और फीचर्स मिल जाते हैं कि आपको कब सर्विस करवानी चाहिए कब नहीं करवानी चाहिए, और आपको मतलब पूरी व्हीकल मीटरिंग, आपकी सारे मोड स्विचिंग जो है आपको जो है टच पे ही मिल जाते हैं। आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो देखने में जो है बहुत अच्छा लगने वाला है और उसको काफी यूटिलाइजेबल है, काफी फ्यूचरिस्टिक है और काफी अच्छा है। और वही बात करें इस स्कूटर के बूट स्पेस के बारे में, तो इंडिया में मिलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सबसे ज्यादा जो है बूट स्पेस इसी में मिलता है आपको 22 लीटर का। इसमें आप अपना जो है फुल साइज हेलमेट रख सकते हो। और वही मैं बात करूं आप इसके अंदर अपने घर का सामान भी, और काफी आपको कन्वीनियंस मिलने वाली है स्कूटर के साथ में। और वही मैं स्कूटर के नुकसान के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले जो मुझे इसका नुकसान लगता है वो लगती है इसकी नॉन रिमूवेबल बैटरी। मतलब दोस्तों आज के टाइम पे जो है स्वैपेबल बैटरी इसकी डिमांड में मानता हूं कि काफी ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि लोगों के पास इतना ज्यादा जो है टाइम नहीं होता कि अभी जो फास्टेस्ट चार्जिंग के लिए भी अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तब भी आपको 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है अपने व्हीकल को चार्ज करने। वही जब हम डिटेचेबल बैटरी की बात करते हैं तो वहां पे स्वैपिंग में आपको कितना टाइम लगता है, बस आपको अपनी बैटरी निकालनी है और आपको एक रिचार्ज बैटरी डालनी होती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गोगोरो में, उसकी जो डिटेचेबल बैटरी मेरे को काफी अच्छी लगी थी।
और दूसरा इसका एक नुकसान, मतलब नुकसान नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है इंडिया में फिलहाल तो बहुत कम है दोस्तों, मतलब ये बहुत कम जगह पे मिलती है। तो लोग जैसे कि मैं चाहता हूँ और काफी लोग और हैं जो एथर को फिलहाल लेना चाह रहे होंगे, बट इसकी अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से अभी सब लोग जो है इसको ले नहीं पा रहे। तो अभी देखते हैं कि कब तक ये हर जगह जो अवेलेबल हो जाती है और ये कहाँ कहाँ अपनी जो ग्रीन प्लांट्स को जल्दी से जल्दी जो लगा पाता है और इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ा दे, ताकि जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो इसको जल्द से जल्द खरीद पाए। बाकी दोस्तों मुझे स्कूटर है इंडिया में तो अब तक का सबसे बेस्ट लगता है और वर्ल्ड के बेस्ट स्कूटर के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो में जानकारी इतनी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।